अस्सलामुअलैकुम। पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आगे नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज 3 रोजा दौरे पर चीन जाएंगे। वफाकी वज़रा शेख रशीद शाह महमूद कुरैशी, खुसरो बख्तियार और हफीज शेख भी हमराह होंगे। सी पैक, ML1 और दीगर मामलात पर बात होगी। मसले कश्मीर पर भी मुशावरत की जाएगी। मुश्तरका कारपोरेशन कमेटी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की डॉक्टर बाबर अवान से मुलाकात। वजीर आजम के मामून खसूसी इफ्तखार दौरानी भी मौजूद थे। मौलाना के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने पर इत्तफाक राय हो चुका। कानूनी नकात पर मुश्तमिल न्यूज कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। कराची और लाहौर के रेलवे स्टेशनों पर सहूलियात का फकदान। मुसाफिर परेशान, ट्रेनों के आने जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। सिग्नल निजाम गार्ड के हवाले हेल्पलाइन बंद। रेलवे इंतजामिया ट्रेनों का शेड्यूल मामूल में लाने पर नाकाम। पसरूर दारा अरकम स्कूल सैयद नामी लाल कैंपस का एक और तारीख साज कारनामा। गुज़श्ता रोज़ इस्लामिक सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में दारा अरकम स्कूल के हेड ऑफिस के ज़ेर एहतमाम मरकजी मंजिल मुकाबला 2019 मुनक्किद हुआ, जिसमें अमीर माविया पसरूर ने पाकिस्तान भर की 400 ब्रांचेज में से पहली पोजिशन हासिल कर ली। सखर में दरीना तनाजा पर डाकुओं के 2 ग्रुपों में तसादुम फायरिंग का तबादला जारी। हलाकतों की तादाद 3 हो गई जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी। तसादुम अराजी के तनाजा पर हुआ। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज।